मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। वार्ड 54 अमराई परिसर संजय नगर के रहवासी गंदे पानी के भरे रहने से परेशान हैं। वहां के निवासी हसन खान ने बताया कि पानी की निकासी नहीं होने की वजह से चारों तरफ मैदान में पानी भरा रहता है। बारिश में यह पानी लोगों के घरों में भी भर जाता है। इस वजह से यहाँ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी मैदान में कई मंदिर भी हैं, लेकिन पानी भरे होने की वजह से आम जनता मंदिर में पूजा करने नहीं पहुंच पा रही है। वर्तमान स्थिति में डेंगू वायरस फैलने का खतरा है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए निगम इस ओर ध्यान देकर इस पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करे। इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो हम सब मिलकर विशाल जन आंदोलन करेंगे। मेरा नाम हसन खान है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो कि ऊपर प्रकोष्ठ से जिला महामंत्री हूँ और मैं अभी आप इस समय खड़े हैं वार्ड क्रमांक 54 में जोन क्रमांक 13 में अमराई परिसर संजय नगर। आप देख सकते हैं 2005 से यहाँ पर हम लोगों को विस्थापित किया गया है। उसके बाद ना तो यहाँ रोड है ना तो नाली है और आप ये पीछे का दृश्य देख सकते हैं 2005 से अब भी आता है। हमेशा पानी गिरता है तो लोगों के घरों के अंदर यहाँ पानी चला जाता है। घरों के अंदर कम से कम घुटनों तक पानी चले जाता है। टीवी पंखे कूलर टोटल लोगों के ख़राब हो जाते हैं। और हमारा ये प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर श्री राम जी का, जहाँ पे हम लोगों को इसके अंदर पहले स्नान करना पड़ता है और उसके बाद हमको फिर मंदिर में जाके दर्शन करना पड़ता है। और उसी के बगल में हमारा हनुमान जी का मंदिर भी है जहाँ पे हम जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और उसके बाद उसी के बगल में हमारा गणेश जी बिठाने का विस्थापना करते हैं, जो उसके झांकी भी बनी हुई है, लेकिन इस साल पानी के कारण हम लोगों ने नहीं बिठा पाए हैं। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और बड़ी चीज़ देखेंगे तो ये बगल में जो डीपी है, ये आप दिखा देख सकते हैं जो डीपी है बगल में, यहाँ पे कहीं अगर पानी गिरता है तो इससे भयानक विस्फोट तरीके से एक करंट का इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे झुग्गी बस्ती वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ, इसकी वजह से श्रद्धालु मंदिर में नहीं पहुँच पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इंसान पहले गंदा होगा फिर मंदिर में जाएगा, क्योंकि इस पानी की यहाँ पे निकासी नहीं है। क्या कुछ भी निकासी नहीं है, काफी साल होगा यहाँ कोई निकासी नहीं है। सर, इस पूरे मामले को लेकर क्या नगर निगम या कलेक्टर महोदय से आपने शिकायत की है क्या? ये सारे मामलों को लेकर हम कई बार नगर निगम जोनल अधिकारी के पास, नगर निगम के पास, शासन प्रशासन के पास और हमारे पार्षद महोदय जो सीमा यादव जी उनके पास, और कई बार हम यहाँ पे विधायक जी भी आ चुके हैं। जब पार्क हमारा थोड़ा अच्छा था विधायक जी भी आते जाते रहते, लेकिन विधायक जी के भी नज़र में उसके बाद भी कोई मामला सामने नहीं आया यहाँ पे। सर, जैसे कि प्रदेश में डेंगू का माहौल चल रहा है, इस पानी से मच्छर उत्पाद होंगे तो डेंगू फैलेगा। आप कोरोना काल को देखें, कोरोना काल ऐसी भयानक बीमारी है, उसके साथ साथ ये पानी जो भरा हुआ है, इतने सालों से पानी भरता हुआ आ रहा है, इस पानी के अंदर कितनी गंदगी, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती है। कई बार अंधेरे के चक्कर में आते हैं यहाँ पे, मलेरिया डेंगू की भी समस्या हो सकती है, मलेरिया की समस्या हो सकती है। यहाँ पे हमारे बेचारे बच्चे खेलते हैं, जाते आते हैं, कई बार ऐसे बच्चों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं है, उसके कारण कई लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं, पानी के अंदर जाते जाते कई गाड़ी वाले गिर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है यहाँ पे। गणेश चतुर्थी है, यहाँ गणेश जी स्थापित प्रतिवर्ष अनुसार होते थे, इस बार गणेश जी स्थापित नहीं हुए, क्या वजह? वजह ये है कि पानी भरा हुआ है, सांप बिच्छू घूमते हैं, मच्छर बहुत पनप रहे हैं, बच्चे हमारे खेल नहीं सकते। हमने मंदिर जाना बंद कर दिया है और पूजा करना बंद कर दिए, क्योंकि हम भगवान को पूज ही नहीं पा रहे ना उनकी स्थापना कर पा रहे। क्या स्थानीय पार्षद द्वारा काम नहीं कर पा रही? स्थानीय जो पार्षद थी वो कभी आके उन्हें देखा नहीं है, जनता से मिली नहीं है, हम लोग कोई उनको पहचानते भी नहीं है। क्या इस मामले को लेकर आप माननीय कलेक्टर महोदय से शिकायत करेंगे? हम उनसे ये बोलना चाहते हैं कि आके हमारी दरखास्त सुने और हम लोग के लिए कोई सुविधा करें। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता वर्मा। सीवेज लाइन नहीं है भैया, हम बहुत परेशान है। नाली का पानी भी आता है तो इधर ही आपस की लड़ाई होती है, रोज की लड़ाई होती है आपस में, और हम हो जा रहे तीन से चार बार। नाम बता दीजिए। आज हम वार्ड 54 अमराई खुद में खड़े हुए हैं। आज हिंदुओं का पवित्र त्यौहार गणेश चतुर्थी है। हम आपको बता दें कि ये जो पानी भरा हुआ है, जस्ट यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे गणेश जी की स्थापना प्रतिवर्ष की जाती थी, लेकिन इस बार रहवासियों का कहना है कि पिछले 10 सालों से हम इस पानी समस्या से परेशान हैं और मंदिर जाने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि जैसे ही हम मंदिर जाएंगे तो हमें पानी से जाना पड़ता। हमारा पूरा जो हम साफ सुथरे नहा धो के आते हैं तो पानी की वजह से पूरा गंदा हो जाता और इस पानी में जहरीले सांप बिच्छू जैसे जीव जंतु पनप रहे हैं, जिससे हमारी जान को भी खतरा है। हमारे बच्चे यहाँ रोड पे खेलते रहते हैं,
और इसी पानी की वजह से मच्छर एवं डेंगू के जो लावा है वो उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। भोपाल वैसे ही डेंगू की चपेट में है। इस प्रकार पानी भरा हुआ रहेगा तो भोपाल नगर निगम के लिए आने वाले समय में मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि डेंगू जिस प्रकार भोपाल में पेड़ पसार रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम के समय रहते हुए इस मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और छोटी छोटी कॉलोनियों में जाकर सर्वे के अनुसार ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए ताकि हम डेंगू से लड़ सके। यही हालात वार्ड 54 के हैं, यही हालात पिछले 10 सालों से हैं, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि पार्षद आज तक हमारे वार्ड में समस्या को सुनने के लिए नहीं आई। जब चुनाव होते हैं तो आते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनको हम देख नहीं पाते हैं। हम उनसे मिलने जाते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि पार्षद महोदय अभी घर पे नहीं है, कार्यालय गई है। हमें तमाम कोशिश के बावजूद भी हम उनसे मिल नहीं पाते और इस समस्या से लगातार हम जूझ रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, जहाँ पर ये पानी भरा वहाँ पे बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है, पूरी मोहल्ले में लाइट जा सकती है, पूरे मोहल्ले में करंट फैल सकता है। तो समय रहते प्रशासन इस समस्या पर ध्यान दे। हेडलाइन 24 संतुष्ट।